मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद का मसला आया। मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्श देते हैं, ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौकफ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।